साथियों, आप सबका वेलकम करता हूं आपका अपना ही चैनल केसी सर की क्लासेस 2 में। जी हां, नवोदय सीरीज चल रही है, इसके तहत बेहतरीन क्वेश्चन आ भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं। तो चलिए, आज पूरा कॉन्सेप्ट म स और ल स के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। एक वीडियो ऐसा रहेगा, यही वीडियो होने वाला है जो आपकी इस चैप्टर से तैयारी को पूरी बनाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर 16 और 36 का हमें म स क्या होगा वो पता करना है, ABCD ऑप्शन है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट पर हमें पता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, ठीक है, जिसके पहाड़ा में 16 भी आए और जिसके पहाड़ा में 36 भी आए। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चेक करेंगे, 16 के पहाड़ा में 16 आता है, 36 नहीं आता है, 16 दूनी 32 होता है, तो ये हमारा आंसर में शामिल नहीं होगा। 36 के पहाड़ा में जो है, 36 के पहाड़ा में 36 आता है लेकिन 16 नहीं आता, ये भी हमारा आंसर में शामिल नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 8 के, देख लेते हैं, 8 के पहाड़ा में 8 दूनी 16 ये भी आता है, और 8 चौक 32 36 नहीं आता है, तो हमारा ये भी हमारा ऑप्शन डी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी पर हमारा क्या जाएगा, पूरी फोकस होगी, यही हमारा आंसर बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन सी को सर्कल कीजिएगा इस तरह से, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 4 चौक 16 भी होता है और 4 नियम 36 होता है, तो वह बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में इसकी जो मेथड है कैसे बनाए कोई भी क्वेश्चन को, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, इस तरह से आपका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 2 8 16, ठीक, आधा हो रहा है ना, तो 2 18 36, ठीक। और आगे करेंगे तो 2 नियम 18 और 2 चौक 8, ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 2 नियम 18। अब ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा से दोनों आए, है ना, तो यहीं पर हमें रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 2 जो अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणा कर लो, तो 2 गुणा 2 मतलब होता है हमारा 4। तो पहला जो तरीका बताया और सेकंड मेथड का है, इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, आने वाले क्वेश्चन आपको फटाफट आंसर देना इसी से सीख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रश्न का, पहले वाले का हमें क्या निकालना है, ल स इनमें से कौन सा होगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर ल स का मतलब क्या होता है, अब इन दोनों के पहाड़ा में 16 और 36 के पहाड़ा में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, वो हमें वही ल स कहलाएगा, ठीक है। मतलब लघुत्तम समापवर्त, सबसे छोटी समान पहाड़ा या गुणज, इसे बोलते हैं, या अपवर्त्य, तो इसे बोलते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए, तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि 16 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है ना, ऐसा बोलेंगे ना, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, ऐसे पहाड़ पर 16 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है, तो भले 36 के पहाड़ा में आ जाए 36, ठीक है, तो आंसर में शामिल नहीं होगा। दोनों के पहाड़ा में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, वो हमें होगा लच्छा। 16 के पहाड़ा में देखते हैं, तो 16 6 96, 36 के पहाड़ा में 36 दूनी होता है 72, ठीक है, तो ये भी पहाड़ा में नहीं आता है, 72 है ना। आगे बढ़ेंगे तो 16 के पहाड़ा में पढ़ते हैं, मान लो 72 के लिए पढ़ते हैं, 16 6 यहाँ पर होता है 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80 नहीं आ रहा है ना, भले 36 के पहाड़ा में 72 आता है, ठीक है। तो अब बच गया सी वाला, तो 16 के पहाड़ा में 16 नियम 144 आता है, ठीक है, इसी तरह 36 चौक 172, तो हमारा इस तरह से आप ल स का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको बनाने की जरूरत, चुटकियों में आपका आंसर मिलेगा। अब इसको बनाकर भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बनाएं, मान लो हमें पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हो कैसे बनाएं। तो देखिएगा इस तरह से कि 16 और 36 का भी हम पुनः क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन ध्यान क्या रहेंगे कि सबसे प्रथम संघ अभाज्य संख्या 2 है ना, कितने बार में आता है, 8 बार में 16 आता है, और 2 1 2 18 बार में 36 आता है, ये समझ गए होंगे। यहाँ पर हम म स में क्या करते थे कि जब तक दोनों भाग जाते हैं अभाज्य से तब तक भाग देते हैं, लेकिन यहाँ एक अंक भी जाए ना, एक संख्या भी जाए, तब भी हम उसे 2 से ही भाग करेंगे, 3 से ही भाग करेंगे, जब तक जाता रहे तब तक, ठीक है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 2 के पहाड़ा में 8 जाता है 4 बार में, 18 आता है 9 बार में, 2 नियम 18, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहीं पर हमारा लस, यहाँ पर म स निकल जाता है, यहाँ पर 2 गुना 2 मतलब म स निकल जाता, लेकिन यहाँ पर हमें ल स निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो पुनः 4 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो करना है, भले 9 नहीं आता फिर भी हमें 4 तो आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 9 नहीं आता तो लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। फिर 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है एक बार में, 9 नहीं आता तो लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कोई नहीं आ रहा ना, अब 3 के पहाड़ा के पास जाएंगे, क्योंकि 9 आता है, 1 नहीं आता है, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो इस तरह इन सब गुणनखंडों का जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ ना, अभाज्य संख्याएँ, इनका ही हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा करेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए करते हैं, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ देखिएगा 8 दूनी 16,
ठीक है, 16 तिया 48 और 48 तिया होता है 144, ठीक है, करके देख सकते हैं। सब चीज़ आप क्लियर करें हाथ से अपने, तो 8 तिया 24 का 4 है ना, 2 बच्चा 4 तिया 12 और 2 यहाँ पर हो गया 14, इस तरह से आ गया ना। तो इस तरह हम कॉन्सेप्ट भी रखें और क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना भी सीखे। चलिए पूरा कॉन्सेप्ट होगा आपको क्लियर, वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान आ गया हमारा, 4, 8, 6 का लसा होगा, आपको करेक्ट आंसर पर क्या करना है, सर्कल करना है OMR सीट पर। देखेंगे कैसे कि 4 के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़ा में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है। चलिए नीचे से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 के पहाड़ा में 48 आता है, 4 एकम 4 दुनिया 8, ठीक है। 8 के पहाड़ा में देखेंगे तो 8, 6 का 48 से भी आता है, ठीक है, और 6 के पहाड़ा में देखेंगे तो 6, 8, 48 से भी आता है, दोनों आ रहा है 48। यहीं पर हमें सर्कल नहीं करने, फटाफट क्या करेंगे और चेक करेंगे, सबसे छोटी सुनना है ना हमें, तो कि 4 के पहाड़ा में 24 जी आता है, 4, 6 का 24, 8 के पहाड़ा में 8 या 24, 6 के पहाड़ा में 6 चौक 24, तो इससे पहले क्या आ रहा है हमारा, 24 आ रहा है, ठीक है। यहीं पर हमारा कन्फ्यूजन हो जाता ना, हम सर्कल कहाँ करते हैं, डी ऑप्शन पर। अब कहाँ वहाँ पर देखे हैं 24 आ गया हमारा, ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर बना रहा है। आगे देखेंगे 16 जो है, 4 के पहाड़ा में 16 आता है, 8 के पहाड़ा में 16 आता है, 6 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है, तो हमारा लसा नहीं बन पाएगा। आगे देखेंगे 4 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 तिया 12, ठीक है, 6 के पहाड़ा में 6 दुनी 12, लेकिन 8 के पहाड़ा में 12 नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। दोनों आंसर हो सकता था, लेकिन अगर हड़बड़ाए नहीं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए बहुत आसान सवाल है, अब बढ़ते हैं इससे अलग लेवल के क्वेश्चन की ओर। चलिए चौथा प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, इनमें से क्या कौन सा होगा, वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट कर आंसर भेज सकते हैं। क्वेश्चन लगता है गंभीर, लेकिन बहुत चुटकियों में बढ़ने वाला है। कैसे कि 2 क्रमागत संख्या, मतलब क्रमागत का मान लो कि 2 लेंगे तो 1 संख्या हो, तीन हो जाएगी। अगर 10 लेते हैं तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 11, यही तो क्रमागत है ना, है ना। 4 लेते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगी, 4 की बात क्या आता है, 5, यही तो क्रमागत है ना। अब बताइए कि इनका जब मसा निकाले, ठीक है, तो किनके पहाड़ा में 2 भी आए 3 भी आए 10 भी आए 11 भी आए, इन दोनों की बात करें तो, या 4 और 5 की बात करें तो, एक किनके पहाड़ा में 4 और 5 दोनों आए, ठीक है। तो सोचिएगा ध्यान से, किनके पहाड़ा में 2 आता है 1 के पहाड़ा में, किनके पहाड़ा में 3 आता है 1 के पहाड़ा में, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 2 ही आएगा 3 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 3 आएगा 2 नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 1 है, जी हाँ, क्या है हमारी, 1 है। तो इसका जो मसा क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। यहाँ भी चेक कर सकेंगे किनके पहाड़ा में 10 आता है, तो हाँ 2 के पहाड़ा में 10 आता है बोल सकेंगे, लेकिन 11 नहीं आता है, ठीक है। 5 के पहाड़ा में 10 आता है लेकिन 11 नहीं आता है, 11 के पहाड़ा में 11 आता है लेकिन 10 नहीं आता है, तो किनके पहाड़ा में दोनों आता है, जी हाँ, हमारा आंसर कहाँ जाएगा, 1 की ओर, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे वही, तो हमारा आंसर यहाँ भी क्या आएगा, 1। तो ये प्लस आपको समझाना है कि एक पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रमागत संख्या, यहाँ पर टॉपिक पे ध्यान दिए, क्रमागत 2 क्रमागत संख्या लेंगे, है ना, तो कि उनका मस कितना होता है, 1 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 18, 15 और 55 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे, इनमें से हम क्या करें, बनाने का तरीका और पूछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सब बड़ी से बड़ी जब भी शब्द आए ना, तो समझ जाइए क्या निकालना है, हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। अगर चेक करना चाहें पर्टिकुलर एक कर लेके, तो 3 से भाग करेंगे 18 को, 3 6 18, तो वहाँ पर भाग चला है, शेषफल नहीं मिल रहा है, ऐसा भी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। और 3 के पहाड़ा में 55 को भाग करेंगे तो शेष कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है, वो भी करके देख पाएंगे। तो दोनों ये काम, 3 से भाग करें तो शेष 2 बचे और 3 से भाग करें तो हमें शेष यहाँ पर 3 बनना चाहिए, ऐसे भी आप ट्रिक लगाकर उपयोग करेंगे बनाने का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम कैसे हल करेंगे, अगर ऐसे शेष वाले प्रश्न जब भी आए तो आप क्या करेंगे, 18 और 55 को भाग देने पर क्या बचे, 2 शेष बचे क्रमशः और 3 बचे, मतलब 18 में 2 कम कर लीजिए, ठीक है, कितना आ गया ये, 16 आ गया। इसी तरह 55 में 3 कम कर लेंगे तो 55 में 3 कम करेंगे तो कितना आ गया ये, 52 आ गया। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या निकालना है, मसा, मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक है, जिसके पहाड़े में 16 भी आए और 52 भी आए, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया है वहाँ से देख लेते हैं, 3 के पहाड़े में 16 52 13 ये 52 आएगा, ठीक है, सॉरी नहीं आएगा, ये अंकों को जोड़ लो ना, 3 से भाग देने का तरीका क्या है, अंकों को जोड़ लो, 16 तो नहीं आता है तो 52 को देख लो, 5 और 2 7, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, दोनों आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, तो ये 3 आप शामिल नहीं होगा, ठीक है। 18 के पहाड़ा में देख लेते हैं तो 16 तो छोटी है नहीं आएगी, ठीक है। 2 के पहाड़ा में तो 2 के
पहाड़ा में 16 आता है और 52 भी इकाई अंक 2 आया तो आएगा, क्लियर है। तो दो आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। आगे देखेंगे चार, ठीक है। तो चार के पहाड़ा में 16 भी आता है और चार से इनको भाग देकर देख लो तो, है ना, तो चार एक कम चार एक बचा, यहाँ पर 12 चार थी 12 13 बार में गया एक कम, अर्थात वह संख्या हमारी 2 और 4 है लेकिन बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है, बेसिक समझ रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन ऐसे देंगे कि जिसमें ल सा भी हो और म सा भी हो, साथ में 2 अंक की संख्याएं भी हो, तब कैसे सवालों को हल करें, देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ूं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और लघुत्तम समापवर्तीय 12 है, एक संख्या 6 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए, इसे भूलना मत। जी हाँ, ऐसे सवालों को जैसे बनाएंगे तो थोड़ा समझ आइएगा कि जब भी म सा और ल सा आपको दिया रहे और एक दूसरी संख्या दे रहे तो आपको पहली संख्या निकालो या पहली दिया तो दूसरी निकालो। तो इसके लिए मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूँ कि जब भी म सा और ल सा का गुणनफल किसके बराबर होता है, पहली संख्या का यहाँ पर ले देता हूँ गुणित दूसरी संख्या का, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, हमारा फार्मूला हो गया, इसी से आपका कोई भी क्वेश्चन दे, ठीक है, बना पाएंगे। तो यहाँ पर म सा हो गया हमारा 2, ठीक है, ल सा हो गया हमारा कितना 12 है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा पहली संख्या कितनी है 6, दूसरी संख्या क्या होगी वो निकालना है, ये सेकंड है मतलब दूसरी संख्या है, ठीक है, 2 मत समझिएगा। तो यहाँ से 6 को क्या करेंगे, इधर लाना है, मतलब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर गुणा है ना दे तो ये इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये इस तरह पाके क्या होगा, डिवाइड होगा, भाग होगा, ठीक है। अब 6 के पहाड़ा में 6 और 12 का मसा कितना होता है, 6 होता है, 6 कम 6 6 दूनी 12 काट देंगे तो ये 2 और ये 2 गुना हो जाएंगे, तो 2 गुना 2 कितना होता है 4। तो इस तरह से दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड यहाँ लिखा वो क्या हो जाएगी, 4 बन जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पर। चलिए प्रश्न है कि 2 संख्याओं का मसा 12 है और ल सा को आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर खाली खाली स्थान छोड़ दिया है। यदि एक संख्या 24 है तो और तो दूसरी संख्या 36 है, तब हमें यहाँ पर ल सा क्या आएगा, वो हमें ऑप्शन में से OMR पर सर्कल करना है। कैसे करेंगे, तो हमारा जो ट्रिक क्या रहा कि म सा और ल सा का जो गुणनफल है किसके बराबर होता है, तो वह होता है पहली संख्या फर्स्ट संख्या और इंटू सेकंड दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, भूलना मत। तो यहाँ पर म सा आपका 12 है, ल सा आपको खाली स्थान दिया है ना, तो इसे हमें निकालना है, ठीक है। इधर पहली संख्या क्या है हमारी, एक संख्या 24 है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है हमारी 36 है। अब हमें ल सा निकालना है ना, तो ये जो 12 है ना उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग बन जाना है, ठीक है, ये भाग हो गया। तो 12 पहाड़ में एक बार में और 12 3 36 ऐसा बोल पाएंगे, 24 गुना 3, ठीक है, तो 24 गुना 3 कितना आता है, 24 3 72। तो इस तरह से कोई भी सवाल दे कैसे भी दे आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, सर्कल अच्छी तरह से करेक्ट कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। 2 संख्याओं के म सा और ल सा का गुणनफल 196 है, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा बताना है चुटकियों का काम, कितना आंसर आएगा वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करें और देखना चाहें कैसे बने। तो हमें पता रहना चाहिए कि म सा और ल सा का जो गुणनफल होता है, ठीक है, गुणनफल होता है वह किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। अब यही मान आपको कहा गया है कि 196 है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा, देख रहे हैं आंसर क्या आएगा, इतना ही तो आना है, ठीक है ना मजेदार। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए प्रश्न है, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है, बस मिनटों का काम है। कैसे कि संख्याओं 14 और 28 का मसा 14 है, तो ये 14 मसा हो गया, तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक, ये रहना फार्मूला हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 14 इस तरह पाक क्या कर देंगे, 14 भाग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से भाग हो गया, 14 के पहाड़ा में 14 एक बार में 14 एक बार में कटा, तो क्या बचा हमारा 28। तो इस तरह से जो लघुत्तम समापवर्तक आया वह क्या आया हमारा 28 आया, है ना, चुटकियों का काम। तो इस तरह से वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, बच्चों तक जरूर पहुँचाइएगा। ऐसे ही बेहतरीन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।